हेलो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज सबसे पहले तो आप सबको रमजान मुबारक। आज माशाल्लाह से पहला रोजा है। तो जी घर से निकले दही लेने के लिए, ठीक है, और याद आया जी चलो आज व्लॉग बना लेते हैं फर्स्ट रमजान का, ठीक है। और सीन मेरे साथ क्या चला है, मैं रहा था सो, ठीक है, और अचानक से पीछे से एक जूती आई, कहते पुत उठ दही ले के आ। मैं क्या की हुआ, दही की करना है इस टाइम? कहते बेटा जी रोजा है। मैं फिर उठा और अब निकला हूँ दही लेने के लिए। फिर मैंने कहा एक आज का व्लॉग बना जाए जी, फर्स्ट रमजान मेरा कैसा जाता है। आज आपके भाई ने रखना है पहला रोजा, तुमसे ना हो पाएगा। इस टाइम तो फुल एनर्जी के अंदर आपका भाई जो है ना बोल रहा है, ठीक है, सुबह देखो क्या बनता है। आज का सारा दिन अभी से लेके सारी से लेके कल अफ्तारी तक का व्लॉग बनाएंगे हम लोग, और देखते हैं कैसा हमारा आज का दिन निकलता है। और इस टाइम मैं लेने आया हूँ अपने पार्टनर को, ठीक है। एक तो वो है ना क्राइम पार्टनर मून, और एक है मेरी शीला, मिनी प्लस शीला, ठीक है। ये दोनों मेरे हैवी वाले फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और अभी मैं आया हूँ शीला जी को लेने, शीला मीन हसन को लेने मैं अभी आया हूँ। तो हसन को कॉल करते हैं जी। हसन की गली के कॉर्नर पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और अभी हसन का मैं वेट कर रहा हूँ। हसन जैसे ही आता है फिर निकलते हैं हम लोग अपनी सहरी का एहतमाम करने, ठीक है। हम लोग खाएंगे बाहर से आज परौठे शरौठे, हैवी वाली कई चीज़ें खाएंगे। आपके भाई को ना बस बहुत ना हैवी वाली ना कीड़ा है घर ना रहने वाला, इस टाइम तो बाहर निकलना ही होता है। जैसा कि आप सबको पता है आपके भाई से भूख बर्दाश्त नहीं होती, और अब उम्र हो गई है, दाढ़ी आ गई है, बड़े हो गए हैं, अब रोजे तो रखने हैं ना। इतने गुनाहगार बंदे हैं, अल्लाह से माफियां भी मांगनी है या नमाजें पढ़नी है। अब पूरा रमजान इंशाल्लाह आपके भाई ने नमाजें पढ़नी है, और शेयर करता रहूंगा आप लोगों को मैं इस रमजान के टोटली व्लॉग्स। फुल देर लगा देना व्लॉग्स इस दफा। अब कॉल कर रहे हैं हसन को, अगर पिक कर ले तो। टाइम इस टाइम बहुत ज्यादा हो गया, टाइम इस टाइम उठा ही होगा, 3:30 बज रहे हैं। अल्लाह doesn't pick my phone, doesn't matter, हम उसके घर जाएंगे, उसका बूहा पानेंगे, no tension, सोने नहीं देना किसी को भी, कल्ले कल्ले हमसे जाया नहीं जाता, क्या करें। A few moments later. No, you one bad news, not for you, for me. Hasan sahib jo hai na wo rahe hain so, theek hai, uth nahi raha wo. Uske maine aapko pichle dino bataya tha tabiyat bhi kafi kharab hai, theek hai. Us wajah se wo sahib zyada uth nahi rahe, to aaj ke vlog mein aapko milega sirf aur sirf Hasan. Theek hai, aaj ka vlog main akela banaunga, full enjoy karenge hum log, tension nahi leni. यार रोजा रखना भी मुश्किल काम है, रोजा रखो और सो जो, उठना फिर इफ्तारी टाइम। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ठंडे रोजे, सुकून की नींद रे। तो जी ये आ गया आपके भाई का पॉइंट, यहाँ से आपका भाई शशके शुशके मारेगा। लस्सी पराठे रस चेक करो, अभी नहीं है कोई भी। अपनी गड्डी को यहाँ पे पार्क करते हैं। Now it's time to eat. A few moments later. लो बाबा जी, उनके पास अपने मतलब के पराठा पूठा कोई शायद नहीं थी है कि क्यों के परे पराठे। ओए ओए ओए, ठीक है, ठीलम ठा ले, ठीक है, समझ गया। अब हम आएंगे अपने खोईठा वालों के पास, ये देखिए जी। These are our Khoita wala. Khoita mahfil chai khana plus parathas. आलू चीज पराठा कितनी देर में रेडी हो जाएगा? आलू चीज पराठा कितनी देर में रेडी हो जाएगा? एक आलू चीज पराठा कर दो, और साथ में जो है ना केचप वगैरह रायता वगैरह अच्छा दे देना, ठीक है, बस। लगवा रहे थे, घर से फोन आया, पुत्र जी भेजा आपको कहाँ पे, कितने रह गए हो? मैंने कहा आपको पता तो है, माँ आपका बच्चा आवारा बच्चा है, ठीक है, और अभी पराठा चराठा जो लग रहा है, फिर अब जो है हम घर दही पड़ा आए, उसके बाद आके पराठा खाते हैं। लो भाई, आपके भाई के पास पैसे मुकते जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब मारो, जल्दी जल्दी डॉलर भेजो, जल्दी जल्दी। तो डॉलर से डॉलर
मजेदार अब चलते हैं अपनी लस्सी की तरफ और लस्सी भी ऐसी पैन स्टार्ट हो रहा है। लस्सी चम्मच के साथ खानी है। खाने वाली लस्सी आपको दिखाता हूँ यार मैं आज हैवी जिसको कहते हैं ना हैवी गुजरांवाला की फेमस तीन लस्सी ये आ गई अपनी चैंपियन लस्सी हैवी वाले बाबा जी एक पैक करवा लिया एक पी लिया। A few moments later इधर देख के बोलो ना इधर देख के बोलो जी भाई ने परौंठे लगाए हुए हैं आलू वाला चिकन वाला किमे वाला और सादा परौंठा ऊपर वाले हो सीधी एट आनी है थले सीधी सिर च एट बजनी है वेला कह दे क्या दे क्या दे ये रहे आपके भाई के दो अंडे और चिकन और ये रहा लस्सी ठीक है सारी का टाइम खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट रह गए और आपके भैया भी घर पर पहुंचा और साथ साथ फोन आ रहा है आप देखो क्या बनता है लो बाबा जी दही नहीं लबा आज थोड़ी वीरे दी मौत पक्की अम्मा नहीं कार बनन देती A few moments later आ चुका है अपना सामान सामून लेके घर पे जो सामान लेना था वो देके ठीक है और खैर खरी से अपा भाई पहुंच गए दही भूल गया था बस लाना तो आते वक्त सीढ़ियों से पाँव फिसला आपका भाई बहुत बुरा गिरा यार वाह क्या एक्टिंग कर रहा है ठीक है अजान हो रही है अब नमाज पढ़ने चलते हैं नमाज पढ़ने के बाद फिर आके सो जाएंगे और फिर आपको मैं मिलूंगा सुबह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज2000 years later ये आपका भाई अब ना उठ चुका है ठीक है हमें तो ये था जी हम सोए रहेंगे इफ्तारी टाइम हमें उठाएंगे और आपके भाई ने जाना है लाहौर अब्बा जी कहते हैं जी बेटा जी थले जाके गड्डी शड्डी नु ट्रक शक्की मगर मारो पानी शानी चेक करो फिर लाहौर निकलना है मैं क्या ओके पापा जी तो आपके भाई की एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि वो सोया रहेगा और उठेगा इफ्तारी टाइम बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं निकलते हैं लाहौर की तरफ आज पापा मेरे साथ होंगे और फिर देखते हैं क्या बनता है आज पटाखों की धूप लगी हुई है तो अब रोजे की हालत में हम लोगों ने लाहौर जाना है सबसे पहले आपका भाई जो कपड़े चेंज करेगा बहुत हैवी वाले गंदे पहने हैं और उसके बाद जो है हम निकलेंगे अपनी सफर की तरफ लो जी आपके भाई को बोतल शोतल तो नहीं मिली अब आपका भाई फीडर के साथ पानी चेक करने लगा ठीक है
लो जी पानी तो पूरा था, हाँ ठीक हो गया। अब यहाँ से जाते हैं पंप पे, पंप पे जाके तेल पोना है, तेल पोते हैं और फिर निकलते हैं। वाह वाह, लो जी अपना पेट्रोल डल रहा है और उसके बाद ये देखें जी आउट क्लास वैन। सामने गाड़ी जो है इतनी डडी मॉडिफाइड हुई थी आप लोगों को मैं बता नहीं सकता। इंशाल्लाह आपके भाई ने भी एक दिन ऐसी ही गाड़ी लेनी है। A few moments later, ये डॉक्टर से हमने हो लिया था और वापसी अफ्तारी का टाइम हो चुका था। फिर हम लोगों ने सोचा जी क्यों ना कोई मसोसे ले लें। रस्ते से आपके मैंने दो समोसे लिए, साथ में एक ली पानी की बोतल और वहीं पे आपके भाई जो है ना अफ्तारी करना शुरू हो गया। आपके भाई के अंदर बिल्कुल ही एनर्जी नहीं थी तो आपका भाई सोच रहा था जी भाई खा लो, पहले खा लो फिर जो है ना व्लॉग श्लाग बनाएंगे। और आपको पता जैसा कि अब्बा जी मेरे साथ थे और ड्राइविंग भी आपका भाई खुद कर रहा था और उस शख्स के सामने भाई आपका कैसे व्लॉग बना सकता था जो शख्स आपके भाई को एक दफ़ा देख ले और आपके भाई की 10 दिन ठट्टी बंद रहती है। लो जी इफ्तारी अब कर लिया है, ठीक है। और अब आपका भाई जो है ना फुल ओवरलोडेड हो चुका है, जाकर अब आपको मैं मिलता हूँ अपने गुजरांवाला। यहाँ से तकरीबन एक घंटे का सफर रह गया हमारा। A few moments later. तो जी हाँ आपके भाई आज कल लाहौर से होकर और इस टाइम जो है ना फुल बटा फुल थकावट हुई है और गए भी स्लोली हैं, आए भी स्लोली हैं, रात पर हो चुकी है इस टाइम। और अफ्तारी मैंने फिर वहीं पे कर ली थी, घर से बाहर तक घर होते तो बहुत मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था। पकौड़े चमोचे पता नहीं कौन कौन सी वरायटी होनी थी। आपके भाई ने बाहर फिर रफ्तारी की, समोसा पानी शानी के स्टिंग स्टिंग के साथ और फिर उसके बाद अब हम लोग जो है ना घर आए हैं। और लाहौर यार ये काम था, पापा ने जरा मेडिसिन लेनी थी डॉक्टर से तो बाबा के साथ गया था। तो बाबा के साथ तो आपको पता फिर ब्लॉगिंग नहीं हो सकती ना बाबा के साथ। बस मैंने फिर वहाँ पर एक वीडियो बनाई और अब उसके ऊपर वॉइस ओवर करेंगे और आपको दिखाएंगे हम लोग। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्री में वीडियो नहीं देखनी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करना। सब्सक्राइब करने से होगा क्या होगा, इस तरह की मेरी न्यूज वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। साथ बने बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करना, वहां पर क्लिक करके ऑल पे कर देना। आपका भाई बहुत मेहनत से वीडियो बनाता है यार, सब्सक्राइब करके लाजमी जाना, ठीक है। सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब, इसके बगैर अभी नहीं। सब्सक्राइब मारने के बगैर आपके भाई नहीं आपको जन्म देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें।